माय चैनल। फ्रेंड्स, दो दिन से यहाँ लखनऊ में बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और कल तो मैं दिन भर आ ही नहीं पाई छत पर। आवाज देखिए, बारिश के बाद मेरे गार्डन का क्या हाल है। देखिए जरा, कितने गमले सब गिर गए हैं और सब देखिए, और गिरने के बावजूद देखिए इसमें कितना बड़ा फ्लावर खिला हुआ है, ये हाइब्रिड हिबिस्कस में। और देखिए जरा, सारे गमले गिर गए हैं मेरे। ये देखिए, ये तो टूट भी गया है। ये देखिए, इसका ये निकल ही गया ऊपर का हिस्सा। इसको एक टिन के डिब्बे में मैंने लगाया था, एक ऑक्स कम बका। देखिए इसमें कलियां बन रही हैं और ये सब गिर के, ये देखिए मेरा गुलाब का गमला, देखिए ये सब गिर गए हैं। देखिए कितना सुंदर रोज का फ्लावर खिला है, इतना हवा पानी झोंका सहने के बावजूद भी अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। ये प्रकृति का यही नियम है। देखिए इस तरह से, ये देखिए, जिनका कोई दीवार वाल का सपोर्ट है वो नहीं गिरते हैं और जिनका ऐसे ही रखे हैं वो गिर जाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से गार्डन मेरा बरसात के बाद दिख रहा है। किसी के लिए तो बहुत अच्छा हुआ है और किसी के लिए तो, ये देखिए ये मेरा नाग चंपा, तो थोड़ी भी बारिश कुछ भी होता है, थोड़ी भी हवा चलती है तो ये ज़रूर गिर जाता है, क्योंकि प्लांटर इसका, ये देखिए प्लास्टिक का मैंने बनाया था, दो तीन साल पुराना है ये, तीन साल हो गया और प्लांट बहुत बड़ा हो गया है। तो ज़रा भी हवा बहती है तो लोड नहीं ले पाता है और गिर जाता है। देखिए कैसे छत पर एक किनारे पानी भरा हुआ है। ये देखिए मेरा सुदर्शन का भी गिरा हुआ है, देखिए किस कदर छत पे पानी भरा हुआ है। देखिए ये देखिए सुदर्शन का कैसे गिरा हुआ है, ये तो कभी नहीं गिरता था लेकिन आज ये भी गिर गया है। इसकी बाल्टी काफी भारी है, ये बकेट में लगा हुआ है और इसमें भी देखिए हो रही है। कुछ इस तरह से गार्डन का सीन है बारिश के बाद। इसमें काई भी है, डर लगता है गिरने का। आज देखिए पर्सलेन में ज्यादा फ्लावरिंग नहीं हुई है। इधर देखिए कुछ इंडोर प्लांट रखे हुए हैं मेरे, जेड प्लांट, डिफेनबेकिया, एग्लोनिमा, मनी प्लांट, तो ये सब यहाँ रखे हुए हैं। इनकी तो सेहत पे कुछ नहीं, लेकिन ये देखिए इसमें एक प्लांट भी गिर गया है। ठीक है दोस्तों, मैंने अपने गार्डन का सीन आपको दिखा दिया कि कुछ लोग धराशायी हो गए हैं, कुछ इतने हैप्पी हैं। देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, वाइट हिबिस्कस में।
ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।